नमस्कार दोस्तों, मेरी चैनल एनकेजे क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए दादी नानी की बताई हुई कुछ जरूरी बातें। नंबर एक, सोने से पहले हल्दी वाला दूध पिएं, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह उम्र बढ़ने, मुहासे और निशान को दूर करने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को चिकना करता है और आपके चेहरे पर चमक लाता है। नंबर दो, सरसों के दानों को पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ और खांसी समाप्त हो जाती है। नंबर तीन, अगर आपकी स्किन ड्राई और आयली है तो हल्दी और बेसन आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है, क्योंकि हल्दी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व पाए जाते हैं जो स्किन पर ग्लो लाने का काम करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप एक कटोरी में एक चम्मच हल्दी पाउडर लें और एक कप बेसन लें। आप दूध या पानी की मदद से इसका पेस्ट बनाएं और साफ सुथरे चेहरे पर अप्लाई करें। जब ये ड्राई हो जाए तो चेहरे को धो लें। आप हर तीन दिन में इसका इस्तेमाल करें। नंबर चार, बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप मेथी और करी पत्ते से तैयार तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक कप तेल और कढ़ाई में इसे गर्म कर लें। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाना और कुछ करी पत्तियां डाल दें। करीब 10 मिनट तक इसे गैस पर पकाएं, फिर गैस को बंद कर दें और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करें। अब तेल को छानकर एक बोतल में स्टोर कर लें। आपका हेयर ऑयल तैयार है। इस तेल को आप सप्ताह में 2 बार बालों में रात में लगाकर सो जाएं और सुबह धो लें। इससे बालों की ग्रोथ तेज़ी से होगी। नंबर 5, मेथी के पत्तों का साग खाने से भूख बढ़ती है। नंबर 6, प्याज का रस बालों में लगाने से सफ़ेद बाल भी काले होते हैं और इसको लगाने से न सिर्फ बालों की सफ़ेदी में कमी आएगी बल्कि बाल भी चमकदार होंगे। नंबर 7, कच्चे आलू का रस निकाल लें और अपने आँखों के नीचे काले घेरे के ऊपर कुछ दिन रोजाना 5 से 10 मिनट लगाएं। इससे आँखों के काले घेरे हट जाएंगे। नंबर 8, किशमिश का सेवन करने से आप अपने वजन को बढ़ा सकते हैं। किशमिश का सेवन रोज करने से यह जल्द ही आपके शरीर में वजन की वृद्धि करता है। इसे खाने से आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 9, अगर बर्तन साफ करने से हाथ खुरदुरे हो जाते हैं तो इन पर दूध में नींबू का रस मिलाकर लगाएं। आपके हाथ सुंदर होने लगेंगे। नंबर 10, सुबह उठने के बाद सबसे पहले नींबू पानी पीना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है जो कि त्वचा को चमक प्रदान करने में मदद करता है। नंबर 11, रात को मोजा पहनकर सोने से गहरी नींद आती है। नंबर 12, लगभग 50 ग्राम बड़ी इलायची को तवे पर रखकर भूनते हुए जला लें और ठंडे होने के बाद इस इलायची को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को नियमित रूप से सुबह पानी के साथ खाली पेट लेने से बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 13, प्याज का पानी पीने से पेट साफ हो जाता है। नंबर 14, रोज सुबह 1 कली लहसुन खाएं। इससे आपको हाई बीपी के साथ शरीर की कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। नंबर 15, आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा देसी घी जरूर मिलाना चाहिए। इससे रोटियां पौष्टिक बनती है और हमारी सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है। नंबर 16, जो व्यक्ति रोज अखरोट खाता है उसकी सांस की प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 17, दही जमाने से पहले जिस भी बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा फिटकरी का चूर्ण डालें। इससे दही गाढ़ा जमता है और खट्टा भी नहीं होता है। नंबर 18, जब किसी को चोट लगती है या घाव होता है तो जाहिर सी बात है कि उसे खून भी निकलता है। ऐसी परिस्थितियों में घाव को फिटकरी के पानी से धो देना चाहिए और इसके ऊपर फिटकरी का चूर्ण बनाकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से चोट से बहने वाला खून बंद हो जाता है तथा चोट में राहत मिलती है। नंबर 19, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में तेल की मालिश हमेशा नहाने से पहले करनी चाहिए। यदि आप नहाने से पहले तेल की मालिश कर रहे हैं तो नहाने और मालिश करने के बीच में थोड़ा गैप देना जरूरी होता है। नंबर 20, रात को सोने से पहले आधा चम्मच सूखा धनिया थोड़े से पानी में भिगो दें
और सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। इससे पेट और कब्ज की समस्या दूर होती है। नंबर 21, चाय आप कभी भी खाली पेट ना लें, वरना एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है। चाय के साथ हमेशा बिस्किट या कुछ और जरूर लें। नंबर 22, एक चम्मच शहद में नींबू के रस को डालकर दांतों पर रगड़ने से पायरिया रोग से छुटकारा मिलता है। यह प्रयोग दिन में 2 बार करना चाहिए। नंबर 23, भोजन हमेशा शांत वातावरण में करना चाहिए। ऐसा करने से हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं। नंबर 24, कुछ लोग हड़बड़ी में या दूसरे शब्दों में बहुत ही तेजी से भोजन करते हैं। ऐसे लोगों में मोटापा बढ़ने का खतरा 3 गुना अधिक होता है। नंबर 25, अगर आपको दांत खुजली हो गई हो तो थोड़ी सी तुलसी की पत्तियों में 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीस लें। इसे प्रतिदिन लगाने से दांत की परेशानी ठीक हो जाती है। नंबर 26, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लें और प्रतिदिन 1 कप दूध के साथ दिन में 2 बार सेवन करें। इसके सेवन से दिमाग की कमजोरी दूर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है। नंबर 27, रात को 8 से 10 मुनक्के पानी में भिगोकर रख दें और सुबह निकालकर अच्छे से चबाकर खाएं। इस प्रयोग से शरीर में खून बढ़ने के साथ ही खून भी साफ होता है। नंबर 28, मोटापा घटाने के लिए भोजन में गेहूं की आटे की जगह जौ के आटे की रोटी का प्रयोग करें। नंबर 29, सूखे आंवले को बारीक पीसकर प्रतिदिन सुबह शाम 1 चम्मच दूध या छाछ में मिलाकर पीने से खूनी बवासीर ठीक हो जाता है। नंबर 30, अगर किसी को डेंगू बुखार हो जाए तो उसको पपीते के पेड़ के पत्तों का रस पीना चाहिए। इससे वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। नंबर 31, प्याज को कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नमी के कारण प्याज खराब हो जाता है। नंबर 32, पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, जो हमारे चेहरे पर ग्लो लाने में भी मदद करते हैं। इसलिए रोज कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पिएं। नंबर 33, जो व्यक्ति दांतों पर राख लगाता है उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। नंबर 34, बॉडी स्क्रबिंग के लिए बेसन बहुत ही बेहतरीन और नेचुरल चीज है। नहाने से पहले बेसन में चुटकी भर हल्दी पाउडर और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे बॉडी पर हल्के हाथों से रगड़ें, जिससे डेड स्किन निकल जाती है और स्किन चमक उठती है। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो साबुन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।